नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश पांडे है। मैं सिविल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग में पिछले लास्ट 5 ईयर्स से वर्क कर रहा हूँ, जिसमें मैं सारे सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर्स, मोर देन 10 सॉफ्टवेयर्स पे काम करता हूँ और 10 सॉफ्टवेयर्स पे टीच करता हूँ बच्चों को, एंड साथ ही साथ मैं उन पे डेवलपिंग भी करता हूँ। आज मैं रेविट के कुछ वीडियोज़ देख रहा था यूट्यूब पे, मुझे एक भी वीडियो ठीक नहीं दिख रहे थे। लाइक कुछ वीडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम भी एक कुछ वीडियोस अपने स्टूडेंट्स के लिए करें, एज अ गिफ्ट मैं उनको गिफ्ट करूं और साथ ही साथ आप लोगों को फ़ायदा हो, आपको पता चले कि रियल में कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि अपना ऑटो कैड, स्टैट प्रो, रैबिट, 3ds मैक्स, टेगला, हीट एप्स, गूगल स्केचअप, MSP, प्राइमवेरा, ये सारे सॉफ्टवेयर्स मैं कॉर्पोरेट्स में पढ़ाता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको यूट्यूब के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारी अपनी एक वेबसाइट भी है, आप देख सकते हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग की एक वेबसाइट मैंने तैयार की है, unixcivil.com, unixcivil.com। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस साइट्स की लिस्ट, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के अच्छे अच्छे PPTs तैयार हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड मटेरियल्स मिल जाएंगे इस साइट पे। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कल टॉप बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के 700 MCQ, जो कि बहुत ही टिपिकल काम होते हैं, मैंने उनको तैयार किए और उनको तैयार करके यहाँ पे लगाया। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्डिंग मटेरियल्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और बुक्स, आपको कई ढेर सारी राइटर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स की PDFs मिल जाएंगी। जैसे कि आपने यूज़ किया होगा कंस्ट्रक्शन मैथमेटिक्स, लाइक कंस्ट्रक्शन मैथमेटिक्स एक बुक है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि आपका जो कैलसी होता है, लाइक आप साइंटिफिक कैलसी इंजीनियरिंग में यूज करते हो बट आपको सारे फंक्शंस उसके नहीं पता चलते, आप इस बुक को पढ़ के उसके सारे फंक्शन के बारे में जान सकते हो। इसके बाद आप नीचे आते हो तो मैंने SP46 की इंजीनियरिंग ड्राइंग पे काम किया, लाइक उसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। SP46 इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोड है, जैसे हमारा IS456 होता है, IS800 होता है, इसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेसिक्स दिए हुए गए हैं कि सेंटर लाइन की थिकनेस कितनी रखते हैं, लेआउट की थिकनेस कितनी रखते हैं। आप ऑटो कैड पढ़ लेते हो बट आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पता ही नहीं होता कि ड्राइंग बनाते कैसे हैं। सो आप हो सके तो इसको डाउनलोड करिए और करके इसको पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मेरे से गाइड ले सकते हो, क्योंकि मैं इसी सेक्टर में काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, तो होप कि मैं आपका हेल्प करने की फुल कोशिश करूँगा। अगर आप साइट पे कहीं पे भी आप कमेंट करते हो, रिप्लाई करते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करता हूँ। एंड इसी पे आप देख सकते हो कि बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग भावो गट्टी सर की बहुत ही अच्छी बुक है, इसके फ्रेशर्स के लिए इतनी अच्छी बुक है, मैंने इसको पढ़ी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से बहुत सी ढेर सारी बुक्स की आप PDFs यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जस्ट बुक्स पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप SS भावाकट्टी, SK दुग्गल एंड सर, लाइक बहुत से ढेर सारे अच्छे अच्छे राइटर्स के बुक्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको IS कोड के बारे में पता चलेगा, किस कोड को यूज करते हैं। जैसे कि अभी कई लोगों को पता नहीं होता, वो स्टैट प्रो पढ़ लेते हैं बट उन्हें पता नहीं होता कि डेड लोड के लिए कौन सा कोड यूज करते हो, तो डेड लोड के लिए हम लोग IS 875 Part 1 यूज करते हैं, लाइव लोड के लिए Part 2 यूज करते हैं, विंड लोड के लिए Part 3 यूज करते हैं और स्नो लोड के लिए हम Part 4 यूज करते हैं। इस तरह से अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, सारे आपको IS कोड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। उन IS कोड्स को आप लाइक डाउनलोड करिए, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करना और क्लिक करके आप डाउनलोड करिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑटो कैड, स्टैट प्रो और रैबिट के नोट्स भी मिल जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी ही आपको और भी सारे सॉफ्टवेयर्स के नोट्स प्रोवाइड करूँ। साथ ही यहाँ पे कुछ गेट के मटेरियल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग, जैसे कि आपके गेट फोरम है, IAS एकेडमीज हैं एंड मैनी अदर्स एकेडमी के जो मुझे नोट्स अच्छे लगे हैं, मैंने उसको यहाँ पे अपलोड किए हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज शीट्स आपके लिए रखे हैं, क्योंकि कई लोगों को पता होता है कि लाइक एक्सेल शीट से सब कुछ हो जाता है बट उनको पता नहीं चलता कि बनाऊं कैसे, एक्सेल शीट बनाऊं कैसे। तो यहाँ पे बनी हुई आपको RCC डिजाइन की, ब्रिक कैलकुलेशन की, स्लैब क्वांटिटी की और बार बेंडिंग शेड्यूल एंड अदर्स टॉपिक के, मैंने यहाँ पे ब्रिक कैलकुलेशन की ढेर सारे वीडियो लाइक आपको एक्सेल शीट बना के यहाँ पे अपलोड किया है। सो आप जस्ट इस पर क्लिक करिए, क्लिक करके डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ यूट्यूब्स पे भी कुछ वीडियोज़ तैयार किए हैं, जिन वीडियोस को भी आप यहाँ से देख सकते हो कि इस वीडियो से क्या होता है। लाइक जैसे कि यहाँ पे एक वीडियो बहुत ही अच्छा है, 3D रूम प्लानर, एक ऑनलाइन
इंटीरियर डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप ऑनलाइन मुश्किल से 10 से 15 मिनट में अपना पूरा का पूरा रूम तैयार कर सकते हो। लाइक आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे आईडी बनानी है, और आईडी बना के इसको आप चला के देखिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग एक रूम की डिजाइन करते हैं। इस तरह से और भी ढेर सारी टॉपिक्स हैं। तो आज मैंने एक नया काम स्टार्ट किया। नया काम ये है कि मैं रेबिट आर्किटेक्चर, ऑटोकैड और रेबिट स्ट्रक्चर, इन सारे पे अपने एक एक वीडियो नए तरीके से कुछ तैयार करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिले और आपको पता चले कि चीज़ों को लाइक रियल रूप से करते कैसे, बहुत ही आप लाइक फ्रेंडली होके उसको सीख सकते हो किसी भी चीज़ को। लाइक अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो मैं काफ़ी दिन से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर सॉफ्टवेयर पे आप सॉफ्टवेयर्स को टाइम देते हो तो सॉफ्टवेयर्स आपका अपना हो जाता है। लाइक आपको वो समझ में आने लगता है कि करना कैसे है, लाइक कैसे कैसे यूज होता है। जितने दिन आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हो। चलो तो ये तो जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि जो हमारी साइट है उसके बारे में। लाइक आप यहाँ पे जाओ और देख लो, कुछ जो आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ पे पढ़ो, डाउनलोड करो, और साथ ही साथ अगर आपको कोई लगता है कि अगर सर ये कर दें कि ऐसा अपलोड कर दें या कुछ और कर दें, आप अपने आइडियाज़ प्लीज़ शेयर करो यार। जैसे कि आप लोग आइडियाज़ को शेयर करते हो तो मुझे पता चलता है अच्छा ये करना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे लाइक कई फ्रेंड्स हैं जो हमें लाइक यहाँ पे और लाइक अपने ईमेल के थ्रू मुझे बताते हैं कि सर आप ऐसा करो तो कुछ और अच्छा हो जाएगा, तो मैं डेफिनेटली वैसा ही करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो लोड, लाइव लोड पे कुछ लिखे, तो कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। सो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा साइट तो क्या आप इसको पढ़िए और इस पे आके अपना काम करिए। चलिए अभी तो ये तो रहा मेरे साइट का इंट्रोडक्शन कि यूनिक्स सिविल है क्या एक्चुअली। तो मेरा मोटो है कि हार्डकोर जो सिविल इंजीनियरिंग है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाए, सॉफ्ट इन द सेंस कि डिजाइनिंग के साथ सिविल इंजीनियरिंग को मिक्स किया जाए, और मिक्स करके आपको ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। ग्रेटर अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि अगर आप आज के टाइम में देखो तो साइट इंजीनियरिंग कितना टिपिकल हो गया है, तो लाइक बहुत से लोग डिजाइनिंग पे मूव करना चाहते हैं। तो मैं अभी डिजाइनिंग के लिए ढेर सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जैसे स्टैट प्रो के, ऑटोकैड के। कोशिश रहेगी आप लोग सपोर्ट करते रहिए, कोशिश रहेगी कि मैं हर एक टॉपिक्स, एवरी टॉपिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर अपलोड करने की कोशिश करूँगा, साथ ही साथ आपको उसके बेसिक्स भी बताऊँगा। चलिए तो लाइक अगर आप इस तरह से सिविल इंजीनियरिंग को फिर से स्टडी करना चाहते हो, मेरे थ्रू स्टडी करना चाहते हो, तो कोशिश करिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे बेल आइकन होता है, बेल आइकन को आप क्लिक करिए। उससे क्या होगा कि मैं कुछ भी नया अपलोड किया, अभी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली कुछ ना कुछ नया आपके लिए अपलोड करूँ। मैं बहुत एडिटिंग नहीं कर सकता क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम होता है कि आधे से घंटे मेरे टाइम जाएंगे उसमें, उतने में मैं आपको कुछ नया दे दूंगा, तो एडिटिंग के लिए मत सोचिएगा। बट हाँ, मटेरियल मैं आपको अच्छा देने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ उस पर बेल आइकन पे क्लिक करिए, और डेली मैं एक एक वीडियोस अपलोड करता हूँ। डेली मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि एक एक नए नए पोस्ट यहाँ पे तैयार करूँ, तो मैं डेली एक पोस्ट डालता हूँ, डेली एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज से मैं कोशिश करने जा रहा हूँ, और आप लोग अगर सपोर्ट करते रहे तो मुझे अलग एनर्जी मिलती रहेगी, और एनर्जी मिलती रहेगी तो मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा टॉपिक्स लेते आता रहूँगा। और आपको किस चीज़ टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, यार आजकल ऑनलाइन का मैटर हो गया, पहले के टाइम में ऑनलाइन कुछ नहीं था, लेकिन अभी आप कुछ भी करके मुझे सजेस्ट कर सकते हो। सो चलते हैं अभी हम लोग रैबिट आर्किटेक्चर को देखने कि रैबिट आर्किटेक्चर को कैसे यूज करते हैं। लाइक रैबिट बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसके तीन पार्ट्स हैं। तो तीनों पार्ट्स में अगर पहले पार्ट्स की बात करूँ तो पहला पार्ट्स आपका जो आता है वो आता है रैबिट आर्किटेक्चर, दूसरा आता है स्ट्रक्चर, एंड तीसरा MEP। तो MEP मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। तो मैं कोशिश करूँगा कि तीनों पार्ट्स के वीडियोज अपलोड करूँ, बट एक साथ नहीं हो सकता है क्योंकि समय की फिर प्रॉब्लम्स होती है, और आज संडे था तो मैंने कहा कि अभी स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लाइक मैं पहला वीडियो बनाना है कैसे यूज करते हैं, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रैबिट आर्किटेक्चर को। अगर आपको डाउनलोड करने में या कुछ भी लाइक रिलेटेड प्रॉब्लम आती है प्लीज़ कमेंट करो यार। और अभी जैसे मैं रैबिट आर्किटेक्चर को ओपन किया तो सबसे फर्स्ट थिंग इज़ दैट जस्ट क्लियर क्लिक ऑन न्यू, एंड न्यू पे क्लिक करते ही आपके पास ढेर सारे टेम्पलेट्स आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पहला टेम्पलेट यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट्स है, दूसरा कौन सा है आर्किटेक्चर टेम्पलेट्स, तीसरा स्ट्रक्चर, और चौथा मैकेनिकल टेम्पलेट्स। तो अभी हम लोग आर्किटेक्चर टेम्पलेट्स पे काम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो भी मैं कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनाऊंगा तो वो मैं आर्किटेक्चर टेम्पलेट पे ही काम करूंगा। सो उसके लिए जस्ट क्लिक करिए आप रैबिट आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर टेम्पलेट्स, एंड उसके बाद ओके कर दीजिए। और रैबिट आर्किटेक्चर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर मैं कहूँ तो ये एक्सटीरियर डिजाइनिंग का एक क्विक सॉफ्टवेयर है, इससे अच्छा मैंने सॉफ्टवेयर नहीं देखा।
जो बहुत ही फास्ट वर्क करता है और मुझे तो मेरा तो फेवरेट है। सो इसीलिए मैंने पहला वीडियो इस सीरीज का, लाइक मैंने एक यूनिक सिविल अपना जो चैनल बनाया है इसके लिए फर्स्ट टाइम फर्स्ट वीडियो मैंने रैबिट आर्किटेक्चर से स्टार्ट किया, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं तो इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल्स दूँ। हाँ, इससे रिलेटेड कुछ भी नॉलेज आपको लेनी है तो आप यहाँ पर जाइए, और लाइक रैबिट आर्किटेक्चर से के बेसिक्स के बारे में अगर जानना है तो आप PPT पे यहाँ पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छे अच्छे रैबिट आर्किटेक्चर के PPTs तैयार किए हैं, और PPTs तैयार करके उसको अपलोड किया है। सो आप यहाँ से, जैसे कि मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट है निखिल, तो उसने एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया है। निखिल ने रेबिट का यूज़ क्या होता है, उसके रिगार्डिंग रेबिट के एक्सटेंशंस क्या होते हैं, उससे रिलेटेड सारा कुछ मेंशन किया। बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, तो ये सारा कुछ उसने मेंशन किया। तो आप इसे डाउनलोड करके और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको पढ़ भी सकते हो। वेल, मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं इधर बताऊँगा भी आपको यहाँ पे, लेकिन अगर आपको होल बेसिक्स चाहिए तो आप वहाँ से इजिली पढ़ सकते हो। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या कि रैबिट आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ। अब सबसे स्टार्ट करने के बाद वर्क कैसे स्टार्ट करोगे, वर्क स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको इसका यूनिट चेंज कर लेना चाहिए। जिस यूनिट में आप कंफर्टेबल हो उस यूनिट को चूज करो मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैंने UN क्लिक किया, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप ढेर सारे यूनिट्स आ जाएंगे। तो अभी देखिए, आपको अगर मीटर में कंफर्ट हो तो आप मीटर में करो, अगर आप फ्रैक्शनल इंचेस में तो इंचेस में, यूनिट का कोई वो नहीं है। अभी जैसे मैंने फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस स्टार्ट किया और ओके किया। यस, अब वर्क को स्टार्ट करना है, लाइक रैबिट आर्किटेक्चर को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए क्या करना है आपको, दूसरा सेकंड वर्क, लाइक स्टेप फर्स्ट तो आपने क्या किया कि सबसे पहले तो यूनिट चेंज किया। स्टेप सेकंड क्या करिए आप कि एलिवेशन पे जाइए। कहाँ पे, एलिवेशन पे। एलिवेशन में देखिए, तो यहाँ पे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, कई ढेर सारे एलिवेशन आ जाएंगे। आप किसी एक एलिवेशन पे 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से लेवल 1 एंड लेवल 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 लेवल्स यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। अब जितने फ्लोर पे आपको काम करना हो उतने लेवल्स आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे आर्किटेक्चर विंडो है, इसको रेबन पैलेट बोलते हैं। इस विंडो को यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप लेवल लीजिए। लेवल लेके जस्ट आप यहाँ पे लेवल बनाना स्टार्ट करिए। इस तरह से मैंने लेवल बनाया, और इसके बाद एक लेवल और हमने तैयार कर दिया यहाँ पे। यस, इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे लेवल्स बना दिए। अब इन लेवल्स का नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे लेवल 1 पे जैसे मैंने क्लिक किया और मैंने कहा ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर है, तो उसके लिए पहले हमने 1 लिखा एंड उसके बाद लिखा ग्राउंड फ्लोर। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा फर्स्ट फ्लोर। सेकेंड फ्लोर दोस्तों, ये मैंने सेकेंड फ्लोर तैयार कर लिया और इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया और इधर मैंने थर्ड फ्लोर तैयार कर दिया। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे फोर लिख दिया। फोर लिखने का रीजन मैं आपको बताता हूँ कि मैं 1 2 3 4 क्यों कर रहा हूँ। यस, मैंने इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर इस तरह से हमने 4 नेम दिए। नेम देने से हमको क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जब पहले नंबर पे आप देखोगे, इस आइकन में देखोगे फ्लोर प्लान्स में, तो आपको पहले क्या मिल रहा है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, इसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, तो आप कन्फ्यूज नहीं रहोगे, आप कन्फ्यूज नहीं रहोगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। अब देखिए, अगर इसी ग्रेड की मैं बात करूँ, अगर ग्रेड के डीप में जाए तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो भी तैयार करूंगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बॉक्स होता है। क्या होता है ये प्रॉपर्टी बॉक्स, और ये हमारा प्रोजेक्ट ब्राउजर होता है। क्या होता है, प्रोजेक्ट ब्राउजर। अब इसकी कोई एडिटिंग करनी है, सपोज आपको ऐसे ही फोर्थ फ्लोर यहाँ पर भी चाहिए, लाइक यहाँ पर भी नाम लिखा है फ्लोर्स के, तो उसके आप उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जस्ट एडिट टाइप पर क्लिक करना है। और एडिट टाइप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए तो क्या लिखा हुआ है, सिम्बल एट इन 1 डिफॉल्ट। जस्ट ऐसा आप इस पर क्लिक करिए, क्लिक करके अप्लाई करिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका आ गया फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर। अगर आपको नहीं रखना है इसको तो आप इसको ऑफ कर दो। इस तरह से मैंने इसको ऑफ कर दिया।
एंड अगर इनकी थिकनेस को बढ़ाना है तो आप इस पे जाओ और यहाँ पे जो भी थिकनेस चाहिए आप इसके थिकनेस को बढ़ा सकते हो, बट कोई मतलब नहीं होता थिकनेस बढ़ाने का, सो आप ना बढ़ाओ तो बेटर रहेगा। यहाँ पे इसका आप देख सकते हो ब्लैक कलर है, लाइक ग्रेट लाइंस के जो कलर हैं ये ब्लैक हैं, तो आप इन्हें ब्लैक के जगह पे दूसरा कलर भी दे सकते हो। यहाँ पे लाइन पैटर्न होता है, पैटर्न यहाँ पे 1/2 है, लाइक 1/2 इस तरह से आपका स्पेसिंग है, तो ये बेटर है, लाइक इस तरह से ही ग्रिड हम लोग रखते हैं। एंड इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ सिंबल, सिंबल में यहाँ पे देखो ये सर्कुलर बना हुआ है ना, तो यहाँ पे सर्किल है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे नो बबल करना चाहते हो, तो नो बबल करके अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से देखोगे तो बबल आपके गायब हो जाएंगे, बट आई थिंक बबल रहता है तो ईजी रहता है काम करने में मेरे को तो। तो आप इसमें कोशिश करिए कि सर्किल लग करके अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो टॉपिक था, ये टॉपिक ये है कि आपको लेवल को सेट कैसे करना है। आपने लेवल को सेट कर लिया, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से तो बड़े ही डीप में अगर जाइए तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे एरोज होते हैं। अगर इन एरोज को आप करिए तो इस तरह से अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्टेबल, लाइक आपको कैसे ईजी देखना है, उस तरह से आप इसको हर एक को एडिट कर सकते हैं। होप कि आपको समझ आया होगा लेवल कैसे सेट करते। अब कभी कभी आप लेवल सेट करते हो तो आपका बीच वॉल के बीच की, लाइक लेवल्स के बीच की स्पेसिंग नहीं समझ आती, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि लेवल के बीच की जो स्पेसिंग होती है 10 फीट होती है। अगर आपको एडिटिंग करना है, लाइक यहाँ पे 10 फीट नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे 10 फीट डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो अपने आप ये एडिट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद जब हमें स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें ग्राउंड फ्लोर से काम स्टार्ट करना पड़ता है। तो ग्राउंड फ्लोर से वर्क को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर जाइए ग्राउंड फ्लोर पर। इस तरह से हमने ग्राउंड फ्लोर पे गए, एंड ग्राउंड फ्लोर पे जाने के बाद अब यहाँ से हम काम को स्टार्ट करेंगे, अपने वर्क को स्टार्ट करेंगे, ठीक। वर्क को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग, अभी कुछ बच्चे होते हैं जैसे वो प्रैक्टिस करने लगते हैं तो देखते हैं उनके में प्रॉपर्टी बॉक्स ही नहीं होता, गायब होता है प्रॉपर्टी बॉक्स, या किसी का प्रोजेक्ट ब्राउजर ही गायब होता है। तो मुझे बोलते हैं कि कैसे ले आए हम लोग प्रोजेक्ट ब्राउजर को, कैसे ले आए सर, लाइक आपने बताया तो, बट हमें प्रॉपर्टी बॉक्स तो मिल ही नहीं रहा, तो काम कैसे स्टार्ट करेंगे। हाँ, हो सकता है आपके लिए ऐसा आपसे साथ हो, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बच्चों इसके लिए क्या करो, आप यहाँ पे व्यू पे जाओ, और व्यू पे जाने के बाद अगर आपका प्रॉपर्टी बॉक्स या प्रोजेक्ट ब्राउजर या आपका नेविगेशन बार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे यूजर इंटरफेस पे क्लिक करो, और यूजर इंटरफेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रॉपर्टीज। तो आपको जो चाहिए उसको आप यहाँ से ऑन कर लो, और ऑन करने के बाद देखोगे तो आपको इस तरीके से प्रॉपर्टी बॉक्स और प्रोजेक्ट ब्राउजर मिल जाएगा, ठीक। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रॉपर्टी बॉक्स को कैसे खोजेंगे एंड प्रोजेक्ट ब्राउजर को कैसे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग स्टार्ट करने वर्क, लाइक हमने समझ लिया लेवल्स कैसे सेट करते हैं, प्रॉपर्टी बॉक्स क्या होता है और प्रोजेक्ट ब्राउजर क्या होता है। प्रोजेक्ट ब्राउजर में आपको यहाँ पे फ्लोर्स, सीलिंग प्लान्स एंड एलिवेशंस के बारे में इंट्रोडक्शन एंड सारे लाइक सीड्स, लेजेंड्स, शेड्यूल्स, मैं एक एक करके सबको आपको डिफाइन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए और डेली आप एक एक वीडियोज़ को देखते रहिए। होप कि कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही जल्दी, मतलब महीने भर में आपको सारे रैबिट आर्किटेक्चर के पार्ट्स, रैबिट स्ट्रक्चर के पार्ट्स कंप्लीट करा दूंगा, ठीक। तो अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम होता है कि आपको वॉल बनाना है। क्या बनाना है, वॉल। वॉल बनाने के लिए आप देखो तो यहाँ पे देखिए वॉल पे होता है, जस्ट आपको यहाँ पे वॉल पे क्लिक करना होता है, ठीक। जैसे वॉल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके प्रॉपर्टी बॉक्स में, प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टी को दिखाना, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को दिखाना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बॉक्स में आप देखोगे तो आपको ढेर सारे वॉल के साइजेस मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 6 इंचेस वॉल, 8 इंचेस, 12 इंचेस एंड पार्टीशंस वॉल एंड कर्टन वॉल, बहुत ढेर सारे टाइप्स के वॉल मिल जाएंगे, ठीक। लेकिन अभी हम जा रहे हैं अपनी खुद की वॉल बनाने, तो यहाँ पे देखिए जेनरिक वॉल लिखा हुआ है और इसके मैंने एडिट टाइप पे क्लिक किया। कहाँ पे, एडिट टाइप पे क्लिक किया। एडिट टाइप पे क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे टाइप प्रॉपर्टीज, क्या टाइप प्रॉपर्टीज मिलेंगी, इसकी प्रॉपर्टी को आप चेंज करिए। तो प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। कहाँ पे, डुप्लीकेट पे। अगर किसी भी काम को करना है तो सबसे पहले उसका नामकरण करना होता है, लाइक नेम आपको देना पड़ता है। तो मैंने इसका नाम दिया और इसके नेम को मैंने रखा वॉल 9 इंचेस। ओके, हमने 9 इंच की एक वॉल का एक नाम तैयार कर लिया। अभी सिर्फ और सिर्फ इसका नेम बदला है, नेम के साथ आपको प्रॉपर्टी बदलनी पड़ेगी। अगर आपने किसी को ह्यूमन बनाया तो ह्यूमन को आपको उसकी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। सेम हियर, लाइक स्ट्रक्चर पे आप क्लिक करो, इसके एडिट टाइप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 8 इंचेस। अभी आप इसको क्या करो, जो इसकी रियल थिकनेस आपको देना है, जैसे कि मुझे क्या देना है, मैंने देना है 9 इंचेस, तो मैंने 9 इंचेस किया और ओके किया। जो भी एक्सटीरियर वॉल होती है, एक्सटीरियर वॉल अगर ब्लॉक नहीं यूज कर रहे हो, ब्रिक यूज कर रहे हो, तो 9 इंचेस की होती है। तो मैंने यहाँ पे 9 इंचेस दिया और 9 इंचेस देने के बाद ओके किया, और इस तरह से ओके करने के बाद ओके, अभी हमारे पास 9 इंचेस की एक वॉल तैयार हो गई, 9 इंचेस का वॉल तैयार हो गया। अब
ये तो हो गया आउटर वॉल 9 इंचेस का, साथ ही साथ आप काम करोगे इनर वॉल पे भी। तो इनर वॉल को कैसे बनाएंगे, इनर वॉल को जो होती है वो हमारी होती है 4.5 की, कितने की, 4.5 इंचेस की होती है, लाइक सिंगल ब्रिक, सिंगल ब्रिक की जो साइज होती है वो होती है 4.5 इंचेस। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एडिट टाइप पे फिर से क्लिक किया और अब फिर से हमने नामकरण दिया, इस वॉल का नाम रख दिया हमने सब वॉल। क्या है सब वॉल, सब वॉल मीन्स जो वॉल अंदर की ओर हम यूज करें, लाइक घर के अंदर यूज करें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4.5 हो गया यहाँ पे, सॉरी नाम थोड़ा सा गलत हो गया, 4.5 इंचेस इस तरह से किया। अभी सिर्फ नाम चेंज हुआ है इसका, डुप्लीकेट नेम, बट स्ट्रक्चर का आपको नेम यहाँ पे रियल रूप से चेंज करना पड़ेगा। तो हमने आपके 4.5 इंचेस ओके, और इस तरह से ओके करके मैंने दो टाइप के वॉल बना लिए, मतलब टू टाइप्स के वॉल बना लिए हमने। अब वॉल को बनाने के बाद आप कैसे वॉल को ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले देखना है कि आपको वॉल की हाइट क्या रखनी है। तो जो जनरली हम लोग वॉल की हाइट रखते हैं वो रखते हैं कितना, 10 फीट, ठीक। तो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितने फीट चल रहा है, ये अनकनेक्टेड हाइट कितना है 20 फीट, ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो 20 फीट, ठीक है। तो मैंने इसको कितना किया, मैंने कहा 20 फीट नहीं, मुझे रखना है 10 फीट, सो आपको लिखना है 10 फीट। अब 10 फीट इसका अपने आपके वॉल की हाइट जो हो गई वो 10 फीट हो गई, ठीक। अब यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है, लोकेशन लाइन, मतलब वॉल का सेंटर लाइन। अगर आपने यहाँ पे वॉल सेंटर लाइन किया है तो क्या होगा कि वॉल सेंटर से चलेगी, सेंटर टू सेंटर, लाइक हाफ इधर और हाफ हाफ दोनों साइड में चलेगी, ठीक। अगर आपने एक्सटीरियर किया तो केवल और केवल वॉल जो होगा वो आउटर चलेगा, अगर आपने इंटीरियर किया है तो वॉल जो होगी वो सारी की सारी अंदर चलेगी, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे वॉल सेंटर लाइन लिया और सेंटर लाइन लेने के बाद जस्ट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जिस डायरेक्शन में हमें जाना है, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने 4.5 ले लिया जो कि इनर वॉल है, हमें कौन सा चाहिए, हमें आउटर वॉल अभी चाहिए, तो पहले इसको कैंसिल किया। तो इस यहाँ पे जाने के लिए आपको दो बार राइट क्लिक करके कैंसिल करेंगे तो आपको फिर से आप वापस आ जाएंगे, लेकिन आपने अगर वॉल एक बार बना ली है तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे बन के रहेगी, ठीक। तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पे वॉल हमने 9 इंचेस रखी, और 9 इंचेस रखने के बाद यहाँ से स्टार्ट किया अपने वॉल को बनाना। देखिए तो अभी जैसे कि मैं प्लॉटिंग करने जा रहा हूँ, कुछ भी लाइक ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने एक साइज दे दिया इसको बाय डिफॉल्ट, मैंने कहा मुझे यही 60 फीट रखना है, ठीक है। तो मैंने 60 फीट रखा, इसके बाद मैंने कहा इसकी जो हम लेंथ और विड्थ जो रखेंगे, हमने कहा इसको हम लोग रखेंगे 80 फीट, तो हमने यहाँ पे 80 फीट तैयार कर लिया। और इस तरह से देखिए यहाँ पे इसका फ़ायदा ये होता है रैपिड आर्किटेक्चर में और लाइक और ऑटोकैड में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे देखिए आपको इतनी अच्छे से लाइक इजीली तरीके से आपको वॉल ट्रेस होती रहती है, तो आपको पता रहता है कि ये स्ट्रेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया। अब इसके बाद मान लीजिए आपको वॉल पे कुछ चेंजिंग करनी है, इन द सेंस कि आपको लाइक इनके बीच का आपको जैसे कि ये कितना है 60 फीट है। रैपिड आर्किटेक्चर का एक थोड़ा सा लाइक अच्छा पॉइंट ये होता है, जैसे कि आप देखो तो आपने जब इसको सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट किया है तो क्या होता है कि इसका हाइट, इसका विड्थ चेंज होगा। इसका विड्थ जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 50 फीट, अभी होना कि इसका चाहिए, इसका होना चाहिए, बट देखिए अभी किसका होगा, ये 50 फीट किया और इंटर किया तो हुआ किसका, इसका हुआ, ठीक। और जब हमें इसके में चेंजिंग करनी है, मतलब यहाँ पे चेंजिंग करनी है, तो हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे डालना है यहाँ पे 80 की जगह मान लीजिए 70 फीट, तो हमने 70 फीट किया, तो देखिए कितना हुआ, ये 70 ये हुआ। और पहले मतलब मैंने सेलेक्ट इसको किया तो किसको बताया, इसको बताया, और इसको सेलेक्ट किया तो इसको बताया, तो ये थोड़ा सा लाइक इंजॉयबल है। सो मैंने इस तरह से अपने वॉल को बना दिया। साथ ही साथ हमने फिर से वॉल पे क्लिक किया और क्लिक करके यहाँ पे हमने ले लिया 4.5 इंचेस का वॉल, कितने का, 4.5 इंचेस का वॉल लिया। तो उसके लिए हमने क्या किया, अभी ये हमारा क्या है इनर वॉल है, तो इनर वॉल की हमने एडिटिंग करनी स्टार्ट की। तो इनर वॉल की एडिट करने के लिए मैंने कहा कि अभी जैसे मेरा प्लान है, तो मैंने प्लान का एक स्टैंडर्ड साइज होते हैं, लाइक सभी प्लान के लाइक स्टैंडर्ड साइज होते हैं, तो आप साइज को देख सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको लाइक क्या साइज आपको रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने 12x12 का 144 स्क्वायर फीट का मैंने एक रूम तैयार कर लिया इधर, और एक मैंने यहाँ पे रूम तैयार कर लिया, छोटे छोटे दो रूम्स तैयार कर लिए हमने इस तरह से। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक अच्छा सा हमने सेटअप किया, और इस तरह से मैंने 15x15 का एक, आप अपना वैल्यू यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो तो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। तो हमने इस तरह से एक तैयार कर लिया, और साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छा सा हॉल तैयार किया। हमने क्या किया, हॉल तैयार किया, तो हमने हॉल तैयार करने के लिए इस तरह से 20x20 का हमने एक अच्छा सा हॉल तैयार किया। यस,
इस तरह से हमने एक हॉल तैयार किया और एक हमने यहाँ पे किचन तैयार किया और किचन के साथ एक दो छोटे छोटे रूम्स तैयार किए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे लाइक वॉशरूम डालना है तो वॉशरूम डालने के लिए फिर से वॉल पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे एक अच्छा सा वॉशरूम तैयार कर दिया। तो हमारा यहाँ पे वॉशरूम भी तैयार हो गया, दो रूम्स भी तैयार हो गए, एक अच्छा सा हॉल तैयार हो गया और एक अच्छा सा ड्राइंग रूम, बड़ा सा आपको ड्राइंग रूम मिल गया। ठीक, अब इसको आपको देखना है 3D में। देखिए यहाँ पे 2D में जस्ट आपको प्लान करना है, इसके बाद 3D में देखने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे जाना कहाँ पे, व्यू पे। जैसे व्यू पे जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3D व्यू। क्या मिलेगा? 3D व्यू। जस्ट आपको 3D व्यू पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको 3D में मिल जाएगा। यहाँ पे भी अगर आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा क्या, 3D व्यू। ठीक, अब जैसे कि आपको इस समय अच्छे व्यूज नहीं दिख रहे हैं इसके, अगर आपको इसको रियलिस्टिक व्यू में देखना है तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे हिडन व्यूज चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए विजुअल स्टाइल जो है, ऐसे ऑटोकैड में भी विजुअल स्टाइल था, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने रियलिस्टिक किया है। जैसे मैंने रियलिस्टिक किया तो देखिए आपके सामने क्या तैयार हो गया, ये इस तरह से वॉल हमारी तैयार हो गई। ठीक, अब इसको मैंने जैसे रोटेट करके मुझे देखना है, सबको देखना होता है, ये 3D है, इसलिए यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करिए, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद माउस के बीच वाले बटन जिसको पैन बोलते हैं करके आप इसको ट्रेस कर सकते हैं इजिली। तो देखिए तो आपके सामने क्या तैयार हो गया, एक छोटा सा होम का प्लान तैयार हो गया। ठीक, इस तरह से हमने होम के प्लान्स तैयार कर लिए। अभी मैं लाइक प्लान के स्टैंडर्ड साइज पे नहीं गया, आपको प्लान के स्टैंडर्ड साइज देखने हैं कि वॉल की स्टैंडर्ड साइज कितने क्या रखते हैं, किसकी साइज क्या रखते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे वेबसाइट पे आइए, तो वेबसाइट पे हमने कुछ स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पे अपलोड करके रखे हैं, लिख के रखे हैं। जस्ट आपको गैलरी पे क्लिक करना है, और गैलरी पे क्लिक करके इस तरह से देखेंगे तो आपको गैलरी में क्लिक करके यहाँ पे एक मिल जाएंगे आपको वॉल के स्टैंडर्ड साइज़ एंड लाइक रूफ के स्टैंडर्ड साइज़। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड रूम साइज़, तो स्टैंडर्ड रूम साइज़ यहाँ पे यहाँ से देख सकते हो। लिविंग रूम का स्टैंडर्ड क्या, स्मॉल साइज़ ये रखते हैं, मीडियम साइज़ रखना है तो ये, और लिविंग रूम रखना है तो ये, डाइनिंग का ये। तो अभी सबके अलग अलग साइज़ मैंने सारे चीज़ों के ड्राइंग्स यहाँ पे तैयार करके रखे हैं। ठीक, तो ये हमारे एक स्टूडेंट थे लाइक सूरज भदवार ने इसको तैयार किया था, बहुत ही अच्छा तरीके से इसने IS कोड को यूज़ करके उन्होंने इस तरह से पूरे को तैयार किया, और आप यहाँ से देख सकते हो इसको। ठीक, तो इस तरह से आप इसको देखिए, और अपने लाइक रूम को जो स्टैंडर्ड साइज है वो स्टैंडर्ड साइज देकर तैयार करिए। ठीक, तो मैंने इस तरह से तैयार कर लिया कि वॉल कैसे बनाते हैं। अभी देखिए आपको समझ में आया होगा कि कितना ईजी है रैबिट आर्किटेक्चर को चलाना, लाइक आपने तुरंत तुरंत वॉल तैयार कर लिए। साथ ही साथ अगर मुझे अगर विंडो बनाना है या डोर बनाना है, ठीक, अभी मैं ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, सो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड करके देता हूँ कि डोर कैसे लगाते हैं और विंडो कैसे लगाते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में। ठीक, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे वीडियोस एक एक करके वीडियोस तैयार करूँ। सॉरी बट मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि एडिट करने में बहुत ही टाइम जाता है। सो आप लोग इसी तरह से आपको पढ़ना होगा, अगर आगे टाइम रहा मेरे पास तो मैं ज़रूर ही अपलोड करूँगा। एक्चुअली क्या होगा कि अगर मैं एडिट करूँगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लग पाता। सो अब मैं यही बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि आपको डेली एक नया वीडियोस मिले, और आप इजीली रैबिट आर्किटेक्चर को आप जाइए लाइक ऑटोडेस्क पे जाइए, और ऑटोडेस्क से फ्री स्टूडेंट वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, अगर रैबिट आर्किटेक्चर आपके पास नहीं है, आपके पास लैपटॉप है, आप सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप गूगल पे क्लिक करो और यहाँ पे डालो ऑटोडेस्क रैबिट स्टूडेंट वर्जन फुल डाउनलोड। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना, और क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा फ्री सॉफ्टवेयर फॉर स्टूडेंट एंड एजुकेटर। तो हमने भी फ्री सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया है, तो इस तरह से आपको एज ए स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करके देता है। लाइक कुछ लगता है साइड में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटोडेस्क से आप आईडी लाइक अपनी आईडी तैयार करो, और आईडी करके यहाँ से डाउनलोड कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे साइन इन करो। इसके बाद साइन इन करने के बाद क्रिएट अकाउंट कर लेना, अगर आपके अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे चूज वर्जन अपना कौन सा वर्जन, फिर और ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर लैंग्वेज। ठीक, फिर यहाँ से इंस्टॉल करो। कोशिश करूँगा कि मैं आपको लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सिविल इंजीनियरिंग के रैबिट लाइक रैबिट आर्किटेक्चर के जितने टॉपिक्स हैं उनको सबको कवर करा दूंगा। ठीक, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आज से मेरे साथ सीखना स्टार्ट कर दीजिए, और मैं आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काफ़ी लंबा वीडियो है, सो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करिएगा और मुझे सपोर्ट दीजिए यार। सपोर्ट दोगे तो मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स तैयार करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, थैंक यू।